हेलो सो, आज की वीडियो में जानेंगे जीमेल आईडी पर फोटो कैसे लगाते हैं। तो अगर आप जीमेल आईडी पर फोटो लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जीमेल आईडी पर फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। आप इससे पहले आप जान लीजिए जीमेल आईडी पर फोटो लगाने से होता क्या होता है। अगर आप जो जीमेल आईडी पर फोटो लगा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप जो किसी के यूट्यूब वीडियो में कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपका फोटो दिखेगा, या तो अगर आपका जीमेल कहीं भी लॉगिन होगा तो वहाँ पर आपका फोटो शो करेगा। तो ये इसके बेनिफिट हैं। तो जीमेल आईडी पर फोटो लगाने के लिए आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल के नाम से। यहाँ पर देख लीजिए, वो ऑप्शन यहाँ पर है। तो सिंपली आपको जो इसी पर क्लिक कर देना है, जो ये गूगल वाला ऑप्शन है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो अगर आपके मोबाइल में 3-4 जीमेल अकाउंट या उससे ज़्यादा अकाउंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे सारे जीमेल यहाँ अकाउंट आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। तो जिस जीमेल अकाउंट पर आपको फोटो लगाना है सिंपली उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हमें फर्स्ट वाले पर लगाना था, हम इसी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो लगाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेज यूअर गूगल अकाउंट का, सिंपली आपको मैनेज यूअर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर देखते अभी कोई भी फोटो नहीं लगा, तो आपको फोटो लगाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पर जो सेकंड और ऑप्शन है सेट प्रोफाइल फोटो का, सिंपली आपको सेट प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है चूज फोटो का, सिंपली आपको चूज फोटो पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जिस फोटो को लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम अपना ये वाला फोटो लगाना चाहते थे, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली उसी फोटो पर क्लिक कर देना है जिस फोटो को आपको लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस फोटो को आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो को जो एडजस्ट कर लेना है, उसके नीचे आपको ऑप्शन एक्सेप्ट का, सिंपली आपको जो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपका यहाँ पर फोटो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते अभी आपको कोई भी फोटो नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फोटो है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पर देख सकते प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका फोटो शो करेगा, और जहाँ भी आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा वहाँ आप देखेंगे तो आपका वहाँ पर फोटो शो करेगा। इस तरीके से आप जीमेल अकाउंट पर अपना फोटो लगा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो उसके बाद घंटा दिखो उस पर क्लिक करके और पॉल पर ऐसे ताकि वीडियो देखा सबसे पहले।